जहां बंधक फिलिस्तीनियों को अब फोन पर गाजा छोड़ने की दी जा रही है धमकी, क्योंकि अब हमास ने हेलीकॉप्टर पर उन्होंने एक तरीके से बड़ा अटैक करने की तुर्की ने दी पश्चिमी देशों की धमकी। अगली खबर बताएंगे जहां अमेरिका के खत्म हो चुके हैं हथियार। जी हां, अमेरिका का खत्म हो गया हथियार, खड़े कर दिए हाथ। इजराइल को नहीं मिलेगा कोई हथियार और ना ही सेना। क्यों दिया है तगड़ा झटका और कैसे चाइना और रशिया ने फंसा दिया है अमेरिका को। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी सैन्यवेश पर किया है निशाना लगाकर किया हमला, बताएंगे इसके बारे में भी। और कैसे रशिया ने जो है वो अब 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करके तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में कूदने की है, अमेरिका को कैसे समुद्र में घेर लिया है चौतरफा, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक बार फिर से उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने किस देश को जो है दुनिया के नक्शे से हटाने का कह दिया ऐलान, वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो है वो हिंसा की आग तेज हो गई, मराठा आंदोलन आग में तब्दील, दो विधायकों के घरों को जला दिया गया है, मणिपुर की तरह जल रहा महाराष्ट्र, बताएंगे इसके बारे में। और मध्य प्रदेश में हो रही भाजपा की करारी हार, प्रियंका गांधी ने कर दिया है घोषणाओं की झड़ी, वो भी बताएंगे। और क्यों बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस में नहीं खिला ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में कई गिरफ्तार, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लखनऊ में यूपी में लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई है, और सिंधे सरकार को कैसा सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, एक एक करके जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल हमास, आपको क्या लग रहा है कि फ्रीडम फाइटर या आतंकी संगठन, अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है फिलहाल, ईरान ने कर दी वर्ल्ड वार 3 की तैयारी, मुस्लिम कंट्रीज ने भी दे दिया है अपना समर्थन, कहा इजराइल का अब नक्शे से, दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाने का आ गया है वक्त। दरअसल इसराइल के नामों निशान मिटाने के लिए आखिरकार अब तुर्की और ईरान ने हाथ मिला दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सैन्य समर्थित पावर वाले मुस्लिम देशों ने सीधे तौर पर अब ईरान की एंट्री के बीच वर्ल्ड वार 3 की तैयारी देखने को मिल रही है। हम आपको दो मोर्चे बताएंगे जहां दो मोर्चों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ रशिया और चाइना ने मिलकर इन 57 मुस्लिम देशों को अपने पाले में ला करके अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ इसराइल का समूल नाश करने के लिए ईरान और तुर्की ने जो है वो बड़ी डील कर दी है। दरअसल आपको बता दें हम इस बेस पर कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई है न्यूज 18 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की तैयारी है वर्ल्ड वार 3 की, क्योंकि अब खबर निकल के आई है कि तुर्की और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बातचीत है दोनों विदेश मंत्री, तो ईरान में बड़ी बैठक की गई है। इस बीच आपको बता दें अगले शुक्रवार को ये वर्ल्ड वार 3 के युद्ध का आगाज किया जा सकता है, संभवतः अगले जुमे की नमाज पर जो है वो इजराइल पर भीषण अटैक मुस्लिम देशों का हो सकता है, वो भी चौतरफा। अगर देखा जाए तो मिस्र से लेकर के ईरान तक, सीरिया से लेकर तुर्की तक, यमन के हौती से लेकर के लेबनान के हिजबुल्ला तक हमास के समर्थन में अगले जुमे की नमाज पर भीषण अटैक की तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिटना तय है, क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान इजराइल चाहे एक साल तक इस तरीके से गाजा पट्टी पर बम बरसाता रहे और जितने 23 लाख नागरिक हैं उन सबको शहीद कर दे, लेकिन ये युद्ध फिर भी इजराइल हारेगा और उसके हारने का वक्त आ गया है। अब इजराइल, आपको बता दें इस बीच खबर यह भी निकल के आई है कि इजराइल जो है वो घुटने टेकना भी शुरू कर दिया है, तो ये अगर होता है तो अगले जुमे की नमाज से जो है वो एक भीषण अटैक शुरू हो सकता है। एक और खबर, फिलिस्तीनियों को अब फोन कर गाजा छोड़ने की चेतावनी दे रहा है इजराइल, हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बाद बैकफुट पर आया। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें अब आखिरकार जिस तरीके से भीषण अटैक गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर हो रहे हैं उसके बाद से अब इजरायली सेना ने बैकफुट पर आ गई है। इजरायली सेना जो है फिलिस्तीनियों को फोन करके गाजा छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का कहना है कि फिलहाल हमारी लड़ाई फिलिस्तीनियों से नहीं है, हमारी लड़ाई हमास से है, हम नहीं चाहते हैं कि फिलहाल हमास के साथ साथ आम नागरिक फिलिस्तीनी भी मारे जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनी हमें हमास का सेंटर बताएं, हमास के लड़ाकों को आगे लाएं, हम कतई भी ऑपरेशन ग्राउंड नहीं करेंगे, हमें हमास के लड़ाकों का ठिकाना दे दो। दरअसल जिस तरीके से बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स खास करके हमास के लड़ाकों द्वारा सुरंगों से निकल करके जा रहे हैं उसके बाद से अब इजरायली सैनिकों में मातम है, और कल भी जो है वो लगभग 40 से 50 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई है, जिसके बाद इजरायली सैनिक फिलहाल अब बैकफुट पर आ रहे हैं और ऑपरेशन ग्राउंड को जो है वो फिलहाल रोकते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल हमारी लड़ाई हमास से है, फिलिस्तीनियों से नहीं, हम ऑपरेशन गाजा नहीं करेंगे, अगर हमें हमास के
लड़ाकों की जानकारी दे दी जाएगी। तो एक तरीके से अब ये नया ड्रामा जो है वो इजरायलियों की तरफ से शुरू किया जा रहा है, या फिर है ये और कुछ अपने सुझाव दें, ये इजरायल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें हमास को सौंप दो तो हम इसको रोक देंगे। और ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, और जिस तरीके से हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं, और खास करके बख्तरबंद वाहनों और टैंकों और इजरायली सैनिकों को। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा में हमास पर इजरायली सेना का एक्शन तेज, 8,000 के पार पहुंचा फिलिस्तीन में मौत का आंकड़ा, तो सिचुएशन खराब। इजरायल हमास जंग में इजरायल अपने जमीनी आक्रमण का विस्तार कर रहा है। इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा शहर में घुस गए, और इस दौरान आईडीएफ की हमास लड़ाकों के साथ लड़ाई हुई जिनमें दर्जनों हमास लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा पट्टी के अंदर उत्तरी हिस्से में हमास के लड़ाकों और सैनिकों के बीच लड़ाई चल रही है, और इसी दौरान इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के दक्षिणी से जोड़ने वाले प्रमुख सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। आपको बता दें इस बीच गाजा में लगातार जो है वो गाजा इजरायली सैनिक और गाजा के लड़ाकों के साथ अवरोध जारी है। अगली और खबर निकल के आई है दोस्तों, तुर्की ने आखिरकार ईरान के संग मीटिंग के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से दी पश्चिमी देशों की धमकी। दरअसल आपको बता दें, हमने आपको बताया कि वर्ल्ड वार 3 की एक तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, अगले जुमे में कुछ बड़ा हो सकता है, जिसको देखते हुए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने सीधा अटैक कर दिया। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों में संबोधित करना चाहता हूँ कि क्या आप फिर से धर्म युद्ध चाहते हैं। तुर्की मरा नहीं है, ये पूरी ताकत से खड़ा है। हमने जो शक्ति प्रदर्शन लीबिया और कारबाख में दिखाया है, वही शक्ति प्रदर्शन हम आपको मध्य पूर्व में दिखाएंगे। रेशब तैयब अर्दोगान राष्ट्रपति तुर्की ने यह सीधे तौर पर उन्होंने कहा, और कहा कि 1000 साल पुराने क्रूसेड वॉर का जिक्र कर अर्दोगान ने सीधे पश्चिमी मुल्कों को धमकी दे दी है। एक और ब्रीड भी निकल के आई है, अमेरिका का हथियार खत्म। अमेरिका ने खड़े किए हाथ, कहा ना तो सेना ना तो हथियार, इजराइल को नहीं, इजराइल के समर्थन में नहीं जाएगा कुछ भी। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति संग कर रहे हैं समझौता। दरअसल आपको बता दें, इसराइल और यूक्रेन का समर्थन करते 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 अमेरिका के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, और अब अमेरिका ने इसराइल के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ हथियार खत्म होने के बाद अमेरिका का डबल गेम शुरू हो चुका है। अमेरिका जो है वो अब चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ शांति समझौता कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, पिछले 1 सालों से रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है, और इन्हीं हथियारों की वजह से अब अमेरिका में हथियारों की तंगी हो चुकी है। बचे खुचे हथियार जो है वो इजराइल भेज दिया गया है, इस वजह से अब अमेरिका में हथियारों की लगातार कमी होती दिखाई दे रही है, जिस वजह से अब कहा जा रहा है कि फिलहाल चाइना से अमेरिका समझौता कर रहा है। यही कारण है कि हाल ही में विदेश मंत्री गए थे, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग से बात हुई थी। तो अमेरिका जो है वो बूढ़ा होता चला जा रहा है, और अमेरिका की जो सुपर पावर थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक और खबर, 1 नवंबर से लाखों अफगानियों को चुन चुन कर निकालेगा पाकिस्तान। गृहमंत्री ने कहा सारा प्लान तैयार, कोई नहीं बचेगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में अफगानिस्तानियों समेत सभी अवैध शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया था। पाकिस्तान में 17 लाख अवैध अनुमानित शरणार्थी हैं। अब इस तारीख के पूरे होने में महज 1 दिन बाकी है। इसी बीच अंतरिम गृह मंत्री सरफराज भुगती ने सोमवार को कहा है कि अगर ये शरणार्थी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं, तो कार्यवाहक सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू कर देगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भुगती ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार बुधवार से चरणबद्ध तरीके से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू करेगी। आपको बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में अब टकराहट मची है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार कतर में फांसी पाए सैनिकों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। परिजनों से की मुलाकात, कहा बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कतर में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिजनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार से मुलाकात की, और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, परिवार की चिंता उनके दर्द को सरकार समझती है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। हमें इस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ निकटता में समन्वय किया जा रहा है। उधर मौत की सजा पाए 8 लोगों में शामिल कमांडर पूर्णिम तिवारी की बहन मीनू भार्गव 54 साल रविवार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, कतर में भारतीय नौसेना को 8 कर्मियों को मुकदमा चलाया गया, ठीक नहीं है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार 600 हमले पूरे शहर में धुआं, गाजा पर इजराइल के टैंक भी घुसे, आसमान से गिर रही मिसाइल, ताबड़तोड़ और हमले किए तेज। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का 25वां दिन है, और इसी बीच यहूदी देश ने अब गाजा पट्टी पर जमीनी हमले और बढ़ा दिए हैं, और उन्हें टैंकों को गाजा के बाहरी इलाकों में घुसा दिया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो आसमान से इजरायली मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वहीं जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। यही नहीं, हॉस्पिटलों तक को इजराइल ये कहते हुए निशाना बना रहा है कि इनका इस्तेमाल हमास अपने ठिकानों के तौर पर कर रहा है।
गाजा के तेल हवा इलाके में धुएं का गुब्बार देखा गया। और इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि बीते 24 घंटे में हमास के 600 से ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा गाजा शहर के जैतून जिले में इजरायली सेना के टैंक घुसे और यह जिला बाहरी इलाके में बड़ा है। तो सीधे तौर पर इसराइल ने टैंकों को घुसा दिया है और लगातार अटैक कर रही है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इसराइल का बेटा बीच पर कर रहा मौज, पीएम पत्नी के साथ दोस्त की हवेली में कर रहे मौज, युद्ध के बीच निशाने पर आया नेतन्याहू परिवार, उठे इस्तीफे की मांग। इसराइल और हमास के बीच पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा समय से लड़ाई छिड़ी हुई है और इसी संघर्ष में हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, वहीं हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है। इन लोगों के परिजन लगातार सरकार से अपनों को मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई प्रयास भी किए गए हैं जो असफल रहे, लिहाजा प्रभावित परिवारों का सरकार के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू के प्रति आक्रोश जाहिर कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि युद्ध के बीच दोस्त के आलीशान और सुरक्षित बंगले को अपना ठिकाना बना लिया गया है। हालांकि इससे पहले संघर्ष के बीच अमेरिका बीच की पर मस्ती करने की वजह से पीएम के बेटे याइर नेतन्याहू भी आलोचना का शिकार हो चुके हैं। वहीं खुद इजराइल पीएम को न्यायिक सुधार कानून की वजह से अपनों के बगावत झेलनी पड़ रही है। तो लगातार इसराइल पीएम नेतन्याहू के हालात खराब हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने फिर से दिया बड़ा बयान, बोले जापान को अब दुनिया के नक्शे से रहने की कोई आवश्यकता नहीं, दुनिया अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। यानी एक बार फिर से तानाशाह किम जोंग उन ने सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि जापान को अब अमेरिका बचा नहीं सकता है। दरअसल आपको बता दें, लगातार सिचुएशन खराब होने के साथ साथ हमले भी तेज हो रहे हैं और यही कारण है कि अब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें।